फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज सतीश एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नरेशन पार्ट 5। ओके, देखिए इस जो पार्ट 5 है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू ट्रांसफॉर्म, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं, ये हम आगे वाला जो वीडियो है, नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन होगा इसी में हम देखेंगे। अब हम बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस वीडियो जो थे उसमें मैंने चारों के चारों जो हमारे फाइव काइंड ऑफ सेंटेंसेस थे उसके अंदर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसको हमने पढ़ा है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हमने पढ़ा है, उसके बाद में जो इंपेरेटिव सेंटेंस है हमने वो भी अच्छे से सीखा है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते क्या है और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, उनको कैसे उनका सॉल्यूशन करना है, यानी कि उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करना, चाहे वह डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हो, चाहे वह एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर हो, चाहे वह जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है उसके अंदर हो। क्लियर हो गया? देखिए हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में। ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते क्या है। बता दूं कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते क्या है, देखिए जब भी हम क्या करते हैं, विश करते हैं कि काश मेरे पास ये चीज हो जाए, काश मेरी एक अच्छी जॉब लग जाए। समझ आ रहा है ना? एक बार मैं आपको हिंदी में ट्रांसफॉर्म करके बताता हूं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम विश करते हैं, यानी कि विश का मतलब क्या हो गया, इच्छा जाहिर करना। ठीक है भैया, इच्छा के अंदर हम ईश्वर से इच्छा करते हैं कि काश हमें क्या मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, काश हमें जीवन में ये वाली चीज मिल जाए, तो हमने विश किया है। तो विश क्या है, तो वह इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर आएगा। क्लियर हो गया भैया? दूसरा क्या बोल रहे हैं, विश के बाद में ब्लेसिंग्स होता है। ब्लेसिंग्स का मतलब क्या हो गया, हम किसी को भी ब्लेस करते हैं। किसी के हमने क्या किया, चरण स्पर्श किया, उसने हमें बोला कि मे गॉड ब्लेस यू। समझ आया? आपको ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वो सेंटेंस किस में होते हैं, इस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में होते हैं वो, और मैसेज स्टार्ट होते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, समझ आया, मे यू बी हेल्दी। इस तरह से जो सेंटेंस होंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कर्स आता है। कर्स का मतलब जरूरी नहीं है कि हर इंसान अच्छा है, हर इंसान ब्लेसिंग्स के रूप में हमें अच्छी, जो अच्छी ब्लेसिंग्स देता है, ये जरूरी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो पर्सन होते हैं वो क्या करेंगे, कर्स भी देते हैं भैया, कर्स भी देंगे तो उसके बारे में हम बुरा भला कहेंगे कि मे यू गो इन हेल, आप नरक में जाओ, मे यू डाई, तुम मर जाओ। तो ये चीजें किस में आती हैं, कर्स में आती हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या हो गया, विश हो गया, ब्लेसिंग्स हो गया, कर्स हो गया, ये सारे के सारे जब आएंगे और वो जो सेंटेंस होगा, जो इनवर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो मैसेज स्टार्ट होगा, और मैसेज स्टार्ट होके ये वाला जो एक्सक्लेमेशन का जो मार्क है वो इसके अंदर लगेगा और ये इनवर्टेड कोमा के अंदर क्लोज हो जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए, अब मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं। मैंने सेंटेंस सबसे पहले लिखा विश का, लिखा सबसे पहले मैंने विश का लिखा, तो यहां मैंने लिखा कि मे आई गेट गुड मार्क्स, मे आई गेट गुड मार्क्स इन ट्वेल्थ क्लास, इन ट्वेल्थ क्लास, ये आपके सामने सेंटेंस है। समझ आया? तो ये मैसेज स्टार्ट हुआ है, यहां पे लास्ट में क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो ये सेंटेंस इसमें विश जाहिर हो रही है, इसलिए इस सेंटेंस में जो सेड टू होता है, देखिए इनमें अब जो आने वाला जो सेड टू है
उस सैड टू को किसमें चेंज करेंगे, सैड टू को अगर विश आए तो किसमें चेंज कर देंगे, विज्ड में चेंज कर देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद में इसी सैड टू को अगर ब्लेसिंग्स आए, क्या है ब्लेसिंग्स आए तो किसमें चेंज कर देंगे, ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे। ओके उसके बाद में कर्स, कर्स आए तो हम किसमें चेंज कर देंगे, कर्स्ड में चेंज कर देंगे। इस तरह से जो सेट टू होता है, सेट टू चेंज इनटू विज्ड, ब्लेस्ड एंड कर्स्ड। इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो इनके साथ आने वाला जो कनेक्टिव वर्ड जो होता है वो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगेगा भैया, कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। और कनेक्टिव वर्ड दैट लगने के बाद हम जैसे ही इनको चेंज करेंगे तो वही हो गया जिस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस है, यहाँ मैंने डाला है कि मनीष सेड मे आई गेट गुड मार्क्स इन 12th क्लास, इट मीन्स दिस इज विश। यहाँ क्या जाहिर कर रहा है, विश कर रहा है, ईश्वर से जो है प्रेयर कर रहा है कि मेरे क्या आ जाए, 12th क्लास में गुड मार्क्स आ जाए। तो देखिए यहाँ विश कर रहा है तो सेट टू को हमने किसमें चेंज किया, विज में चेंज किया। कनेक्टिव वर्ड हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। उसके बाद में देखिए ये सब्जेक्ट है, चेंज अकॉर्डिंग टू, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये जो वाला प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इट मीन्स मनीष कौन है, ही। तो यहां क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। मैं को किसमें चेंज करते हैं, माइट में, तो ही माइट। हमेशा मॉडल जो वर्ब होती है उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, कैन कुड होगा, मे माइट होगा, सेल शुड होगा, विल वुड होगा। मॉडल वर्ब जो होती है, जितनी भी मॉडल जो वर्ब होंगी वो अपने आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइट के बाद में ये वाली गेट, गुड का क्या आ गया, गुड आ गया, मार्क्स आ गया इन 12th क्लास। इस तरह से ये सेंटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। ये वाला किसमें चेंज हुआ, विज्ड में चेंज हुआ। ठीक है, यहां पे देखिए एक सेंटेंस और देखिए, रीना सेड टू मी, रीना सेड टू मी, मे आई गेट ए गुड जॉब, मे आई गेट ए गुड जॉब हेयर, मुझे यहां एक अच्छी जॉब मिल जाए। हेयर मीन्स कहीं पर भी, कोई भी वहां कोई लोकेशन होगी जिसको उसने इंडिकेट करके बताया होगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, विश जाहिर हो रही है, विश जाहिर हो रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, रीना विज्ड ओके मी दैट। यहां आई कौन है, रीना है, इट मीन्स सी, तो यहां क्या हो जाएगा, सी माइट गेट ए गुड जॉब, हे को किसमें बदलेंगे, देयर में बदलेंगे। क्लियर हो रहा भैया, समझ आ रहा है, आपके सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे कर रहे हैं हम। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हमें ये मालूम करना है कि सेंटेंस में से स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया, इनवर्टेड कोमा के अंदर जब भी होगा सेंटेंस में से स्टार्ट होगा। यहां मार्क लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। सेट टू को यहां किसमें चेंज करेंगे, विश आए तो विश्ड में करेंगे, यहां ब्लेसिंग्स आए तो ब्लेस्ड में करेंगे, उसके बाद में कर्स आए तो कर्स्ड में करेंगे। क्लियर है। कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और जो है उसको सिंपल यानी कि एक अफर्मेटिव के रूप में इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके उसके बाद में क्या आ गया, विश्ड वाला हो गया। उसके बाद में आपका आता है जैसे कि ब्लेसिंग्स में कैसे होता हो, जैसे मैं ये कहूं कि मनोज सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी लंबी उम्र हो। जैसे रोहित सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेस दे,
यानी कि आशीर्वाद दे। दूसरा कहा हीना सेड टू मी, हीना सेड टू मी मे यू बी हेल्दी, मे यू बी हेल्दी, आप क्या हो स्वस्थ रहो। इस तरह से हम किसी नेक्स्ट जो पर्सन होता है उसको हम कह देते हैं ब्लेसिंग्स देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, मनोज क्या आ गया, ब्लेस्ड आ गया, ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लेस्ड मी दैट, इसके अंदर थर्ड पर्सन है, गोट जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए एडिटीज हम यहां पर ले आएंगे। ओके तो यहां क्या हो गया, गोट माइट ब्लेस, यू कौन है, यू है मी, इट मीन्स यहां ये ऑब्जेक्ट है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, समझ आया। उसके बाद में नेक्स्ट बोल रहा है कि हीना सेड टू किस में हो गया, ब्लेस्ड में हो गया, मी फिर यहां क्या लग गया, दैट, और ये यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, इट मीन्स इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई, तो यहां क्या हो जाएगा, आई माइट बी हेल्दी, क्लियर हो गया। एक सेंटेंस देखिए कर्स का लेके देखते हैं, कर्स का यहां ऊपर लेके देखते हैं कि कर्स में ऑलमोस्ट कर्स तो भाई सारे ही अच्छे लोग हैं इसलिए कर्स मोस्टली कोई देता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, जैसे मैं कहूं सरोज सेड टू मी मे यू डाई, तुम क्या हो जाओ, मर जाओ, तो दिस इज कर्स, उसने श्राप दिया है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सरोज यहां पे कर्स्ड मी दैट, ये यू कौन हो गया, आई हो गया, माइट चेंज हो गया, और यहां पे डाई, ये आपके सामने ऑपरेटिव सेंटेंस के पार्ट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, ऐसे इनको चेंज करना है। अब ये कुछ अलग हटकर हैं इसमें, यानी कि वो मैसेज स्टार्ट नहीं होंगे, तो वो देखिए कौन से हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां कुछ सेंटेंस मैंने ऐसे लिखे हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, बाय बाय, गुड नाइट, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, अब वो अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हाउ टू ट्रांसफॉर्म, ये देखना है। देखिए इसमें आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, इसमें जैसे मैंने कि तीन सेंटेंसेस डाले हैं वैसे तो ठीक है, लेकिन इधर मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा हूं। जैसे एक क्या आता है, गुड मॉर्निंग आ गया, एक क्या आ गया, गुड मॉर्निंग, फिर दूसरा क्या आ गया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। अब इसी में गुड आफ्टरनून भी आ सकता है, क्लियर, ये आ गया। फिर इधर मैंने लिखा गुड नाइट, ये लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा यहां पर बाय बाय, आप बोलते हो ना अपने फ्रेंड को सी ऑफ करते हो तो बोलते हैं ना बाय बाय, ओके। तो यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही मिलने की जहां बात आए तो सैड टू को, ये एक शॉर्ट चीज है, जहां जो सैड टू होता है या फिर सैड होता है उसको हम मिलने की जहां बात आए तो उसमें विज़ में चेंज करेंगे, और जहां बिछुड़ने की बात आए उसको सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, बैड में चेंज करेंगे, बी ए डी ई, बैड मीन्स बी विश करना होता है, समझ आई हो गया। देखो कैसे, यानी कि इसमें रमेश ने टीचर को बोला है गुड मॉर्निंग, क्लियर हो गया, तो यहां विश किया है भाई गुड मॉर्निंग, जब भी हम मिलते हैं तभी तो है, फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना तभी तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं भाई। आप जैसे कि दोपहर में दो दोस्त बैठे हैं और वो अलग सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि वो अपने घर जा रहा है, वो अपने घर जा रहा है, ओके गुड आफ्टरनून, ऐसा ना बोलोगे, या तो क्या बोलोगे उसको, बाय बाय,
ठीक है। तो इस तरह से हम सेपरेट यानी कि अलग होने की जहां बात आए तो वहां सेट टू को बैड में चेंज करेंगे, मिलने की जहां बात आए तो वहां विज्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने यही सेंटेंस ऐसे लिखा कि रमेश सेट टू को हमने विज्ड में चेंज किया है, विज्ड में चेंज किया है तो यहां पे क्या आ गया, द टीचर आ गया। उसके बाद में इसको सीधा का सीधा ऐसा कैसा लिख दो, गुड मॉर्निंग। क्लियर हो गया क्या, समझ आया? आपको इसमें आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एज इट इज इसको ऐसा कैसा छोड़ देना है। यहां पे जैसे यहां बोला कि सी सेड गुड मॉर्निंग सर। देखो अब यहां पर इसने सी ने सेंड किया है किसको, सर को। इट मींस ह्यूमन बीइंग उसको एक इंडिकेट किया है, यानी कि वह कोई ना कोई पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे फिर, समझ आया? जैसे क्या लिखा, सी विज्ड, सी विज्ड हर सर, अपने सर को, ठीक है ना, अपने सर को उसने क्या किया है, विज्ड किया है। तो यहां पे गुड मॉर्निंग है तो क्या जाएगा, गुड मॉर्निंग। क्लियर हो गया भाई, समझ आ रहा क्या, ये इस तरह से। उसके बाद में आई सेड गुड बाय, यहां पे बाय यानी कि बिछोड़ने की बात आ रही है, सेपरेट होने की बात आ रही है। और यहां फादर, इट मींस आई का फादर, तो यहां पे क्या हो गया, आई बाय आ गया ना, तो इसमें क्या हो गया, बैट, आई बैट। फिर यहां पे किसको बोल रहा है, फादर को, तो वो इधर ले आया। और जैसे ही इधर ये जो अपन कॉमन नाउन जो होती है वो जैसे ही उठा के इधर लेके आते हैं तो उससे पहले हम उसका पजेसिव लगाते हैं, समझ आया? तो आई का पजेसिव क्या हो गया, माई हो गया। तो आई बैट माई फादर, आई बैट माई फादर गुड बाय, क्या हो गया, गुड बाय, समझ आ गया। इस तरह से हमारे ये जो कुछ ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे कि एक सेंटेंस को लिखूं, मैंने कहा रीना सेड, रीना सेड फेयरवेल। फेयरवेल क्या होता है भाई, फेयरवेल का मतलब विदाई होना। फेयरवेल फ्रेंड्स, फेयरवेल फ्रेंड्स, ये आ गया। इसको आप जैसे ही चेंज करोगे तो क्या हो गया, रीना, और यहां पे फेयरवेल मींस सेपरेट बिछुड़ना, तो यहां पे क्या आ गया, बैट, यहां पे हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स क्या आ गया, फेयरवेल। इस तरह से आपके ये सेंटेंसेस हैं जिससे आपको इस तरह से चेंज करना है। क्लियर हो गया? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंसेस आता है वो आता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। कौन सा आ गया, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटिव जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में कैसे हम चेंज करेंगे जरा देखना। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता क्या है। मैंने आपको बोला कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच क्रिएट सडन फीलिंग इन ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर वो एक सडन फीलिंग को क्रिएट करेंगे। दैट सडन फीलिंग कैन बी क्या हो सकती है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सोरो, फीलिंग ऑफ सरप्राइज, दैट मीन दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया भाई? उसको हम उन्हीं वर्ड को जो एक एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं उन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? कैसे, जैसे मैंने लिखा कि वाओ, ओहो, आहा, व्हाट ए, हाउ ए, दीज आर एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, दैट्स कॉल्ड इंटरजेक्शन। इज इट क्लियर? अब देखिए इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज कैसे करना है, यानी कि एक होता है एलास, एलास का मतलब होता है दुख, समझ आया? उसके बाद में आता है ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है, हम किसी भी आदमी को जब शाबाशी देते हैं, किसी भी इंसान की पीठ को थपथपाते हैं तो ब्रेव, यू हैव डन वेल, समझ आया? आप में से अच्छी रैंक कोई लेके आता है तो आपके घर वाले बोलते हैं ब्रेवो, वेल डन, यू डिड वेल। तो इस तरह से ये जो ब्रेवो वर्ड है वो एक शाबाशी वर्ड के रूप में
यूज क्या, शाबाशी देने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में आपका आता है हुर्रे। हुर्रे का मतलब क्या हो गया, खुशी को जाहिर करना। आप अचानक खुशी जाहिर कर रहे हो, आपको अचानक घर बैठे हो स्टडी कर रहे हो, तभी किसी ने आपको आके बोला कि ये आपका एक ज्वाइनिंग लेटर आया है, आपको यू हैव गॉट एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। समझ आया? तो ऐसी एक सिचुएशन जब क्रिएट होती है आपके माइंड में, आपके दिल और दिमाग में, तो दैट्स कॉल्ड हुर्रे। समझ आया? उसके बाद में आपका क्या आता है, आप लोग एक सरप्राइज शो करते हो, अचानक कहीं जा रहे हो ठीक है, और एक मतलब कोई भी एक ब्यूटीफुल चीज आपको मिल जाती है, यानी कि एक सुंदर गाड़ी को जब आप देखते हो तो व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इट इज ठीक है। आप अचानक कोई चीज की गलती कर देते हो तो आप बोलते हो कि व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूं, उस समय आपको एक अफसोस सा होता है। तो ये जो चीजें हैं यानी कि व्हाट ए, हाउ ए, ये भी क्या शो करेंगे, सरप्राइज शो करते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, आहा, ओहो, ओ माय गॉड, ये दीज आर कॉल, बट एग्जाम में मोस्टली इस प्रकार के ही पूछे जाते हैं। तो हमें फोकस ये रखना है कि एलास क्या शो कर रहा है, दुख प्रकट करता है, ब्रेवो क्या प्रकट करता है, किसी भी चीज की शाबाशी प्रेज करने के लिए। उसके बाद में पूरे जो है वो खुशी जाहिर कर रहा है, व्हाट ए, हाउ ए, इनके लास्ट में जो मार्क आएगा वो क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा। किसका मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा। अब देखिए जैसे ही ये वाले सेंटेंसेस आपके सामने हैं तो यहां पर जो सेट आता है या जो सेट टू आता है, उस सेट टू को या सेट को हम इनके अकॉर्डिंग यानी कि एलास आए तो EXCLAILED exclaimed with। अब ये सब तो आपको सब में लगाने लगाना है। देखो ये वाला प्रेज है ना, तो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, प्रेज्ड। आपने क्या किया, प्रेज की, तो सीधा सही है प्रेज्ड। यहां ये लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो यहां बोला एलास एक्सक्लेम्ड विद, एलास कैसे कर रहा है, सोरो, तो यहां क्या आ जाएगा, सोरो आ जाएगा ठीक है। उसके बाद में हुर्रे, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विद क्या आ गया, जोय, बिकॉज हुर्रे क्या है, खुशी जाहिर कर रहा है, तो इट मींस जोय। अब ये जो है सरप्राइज वाला है, दोनों क्या शो करेंगे, सरप्राइज शो करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। देखिए एक चीज की गलती मत कर देना, यहां सरप्राइज मत कर देना। कई बार हम क्या कर लेते हैं, गलती कर बैठते हैं ठीक है ना। तो यहां पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो यहां पे सरप्राइज नहीं करना है, बिकॉज यहां डी लगा दिया हमने, यानी कि पास्ट सेट टू को हमने यहां कर दिया है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, इनके सेंटेंसेस लेके देखते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेट टू जो होता है उसमें हमें जैसे एलास दुख प्रकट कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसके बाद में सरप्राइज शो कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, खुशी जाहिर कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसके बाद में सीधा सही है भाई, प्रेज वाला है तो उसको प्रेज में कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अब जो आता है वो एक और है, एक छोटी सी चीज कि इनके अंदर जो आने वाले जो कनेक्टिव वर्ड है, कौन सा वर्ड, कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, दैट लगेगा। समझ आया भैया, दैट लगेगा। उसके बाद में देखिए अब सेंटेंस देखिए, मैंने कहा यहां पे रोहन सैड, रोहन सैड एलास, एलास माय जान मदर, माय जान मदर हैज डाइड, हैज डाइड। ये आपके सामने क्या है, एक सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया भैया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बिकॉज यहां ये एक्सक्लेमेशन का वर्ड आया है जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, एलास
मार्क आ गया। अब इसको हमें चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, इस वर्ड के अकॉर्डिंग हमें जो सेट टू आता है या सेट आता है उसको चेंज करेंगे। तो यहां क्या लिखा, रोहन सेट एलास के अकॉर्डिंग तो आ जाएगा, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, यहां तक क्लियर हो गया, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया। उसके बाद में ये है माय ग्रैंड मदर, तो इसमें प्रोनाउन ये आया है, इस प्रोनाउन को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रोहन, रोहन मींस ही, तो ही का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड मदर, ओके, हैज हैड में चेंज हो जाएगा और डायरेक्ट थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव आ जाएगा, समझ आ गया। उसके बाद में देखिए एक और लेके देखता हूं, प्रेज वाला देखते हैं, यानी कि प्रेज वाला हमें कैसे चेंज करना है, मैं ये कहूं कि मनीषा सेड, तो यहां पे क्या आ गया कि ब्रेवो, ब्रेवो, और ये वर्ड आ गया यू हैव डन वेल, तुमने तुम अच्छा कर चुके हो, या फिर ब्रेवो यू वॉन ए मेडल, यू वॉन ए गोल्ड मेडल, भाई गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष में, और ब्रेवो यानी उसको क्या किया है, शाबाशी दी है। तो देखिए यहां पे क्या हो गया, मनीषा, ओके, यहां पे प्रेज्ड, प्रेज्ड। अब एक चीज की समस्या आएगी आपके सामने, यहां पर यू है, ठीक है, और जो यू है उसमें चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है कि हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है और वहां पर जो प्रोनाउन होता है वो यू दे दे, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो चेंजेज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, but there is no object there, then what should we do, we have to do ourselves, हमें अपने आप में उसको क्या करना है, concept लेना है, उसी को क्या करना है, consume करना है कि हाँ मैं ही हूं, वह object क्या है, मैं ही हूं, समझ में आया। तो यहां पे जैसे उसने बोला है, मनीषा ने praised किया है, किसको किया है, me, ऐसी सिचुएशन किसी भी पार्ट में होती है, चाहे वह असर्टिव में हो, चाहे इंटरोगेटिव में हो, चाहे इंपेरेटिव में हो, चाहे किस में हो, ऑब्जेक्टिव में हो, ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है कि आपके सामने ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है और हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या मानोगे, खुद को मानोगे, ठीक है, या फिर क्या होता है कि जो कंपटीशन जो में जो क्वेश्चन आता है उसमें जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन में वहां पर आपको ऑब्जेक्ट क्या दे, जरूरी नहीं है वहां मी न देकर क्या दे दे, हिम दे दे, फिर यहां पे क्या दे दे, देम दे दे, कुछ भी दे, तो हमें फिर उसी के अकॉर्डिंग, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वह ऑप्शन राइट क्लिक करना है, ठीक है। अब यहां मनीषा प्रेज्ड मी दैट, क्या गया, यू वॉन, इसका मतलब यू कौन है, आई, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई हैड वॉन ए गोल्ड मेडल, ए गोल्ड मेडल, इस तरह से ये दो सेंटेंसेस मैंने आपको चेंज करके दिखाया है। अब देखिए हम क्या लेंगे, वो सेंटेंस लेंगे जो सरप्राइज शो करते हैं, क्या शो करेंगे, सरप्राइज शो करते हैं, तो सरप्राइज शो करेंगे उसमें हमें क्या करना है, जैसे मैंने लिखा रमेश सेड व्हाट ए बी ई ए यू टी आई एफ यू आर ब्यूटीफुल कार इट इज, ये है, और इसके आगे लास्ट में जो मार्क आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क वो लास्ट में आएगा और वह इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इज इट क्लियर। अब हमें क्या देखना है इसके अंदर, अब हमें यह देखना है कि
ये जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है वो देखो कई बार ये जो है एक जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन चेंज द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, समझ आया आपको, चेंज दिस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इनटू सिंपल। तो देखो यहां एक बार छोड़ो आप, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी पूछ सकता है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इट इज, दिस इज एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड वी हैव टू चेंज इनटू सिंपल या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, देन द अफर्मेटिव सेंटेंस विल बी इट इज ए ब्यूटीफुल कार, इट इज ए ब्यूटीफुल कार, दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव, असर्टिव और एक्सक्लेमेटिव इन सेंटेंसेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक होता है उसके अंदर ये वाली चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए इसको चेंज करके देखते हैं। यहां मैंने लिखा कि रमेश सेड आया है, व्हाट आया है, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है। फिर यहां लगाया हमने कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया, अब कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया है। अब देखो यहां दैट के बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए ना, और सब्जेक्ट यहां पे इट है तो यहां इट ले आओ, इसको हमने चेंज किया वॉज में तो यहां क्या आ जाएगा, अब वॉज हो जाएगा, इट वॉज, तो यहां पे अब ये वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन, इट वॉज ए ब्यूटीफुल कार, इट वॉज ए ब्यूटीफुल कार, ये क्या है, एक बहुत ही सुंदर कार थी। जैसे मैं कहूं कि हरीश, हरीश सेड, ओके, हाउ फूल आई एम, हाउ फूल आई एम, मैं कितना फूल हूं, फूल का मतलब फूल मत समझ लेना, गुलाब का फूल नहीं है वह, क्या है, मूर्ख है। तो यहां पे क्या हो गया, आई एम, ठीक है। तो यहां पे क्या आ रहा है, हरीश एक्सक्लेम, हरीश एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इस लगाया सरप्राइज, ओके, दैट आ गया, आई कौन है, हरीश है, इट मींस ही। फिर यहां पे इज एम आर वॉज पर में ही वॉज, ठीक है, He was a fool. वह एक मूर्ख था. How a fool I am. ठीक है? ये इस तरह से हमें क्या करना है? इसको चेंज करना. कई बार क्या होता है कि यहाँ पे एडजेक्टिव होता है तो उससे पहले हम वेरी लगाते हैं. Very beautiful. But there is no need. Because यहाँ पे this is also already a suitable sentence. Right? तो वहाँ पे हमें और एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है. But कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के सामने एक आपकी जो गाइड वगैरह होती है उनमें लिखा हुआ होता है कि सर उसमें वेरी भी लगाते हैं, ग्रेट भी लगाते हैं, तो उसमें नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है नाउन है तो नाउन से पहले तो ग्रेट लगाते हैं, जैसे कि ही वॉज ए ग्रेट फूल, वह एक बड़ा मूर्ख है, बट दिस इज ऑलरेडी अ सुटेबल सेंटेंस, देन देयर इज नो नीड टू पुट दिस दिस वर्ड, ओके। तो यहां पे क्या हो गया, रमेश एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल भी लगा सकते हो, ए वेरी ब्यूटीफुल कार। तो इस तरह से आपके सामने क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस हैं और ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस इस तरह से आपको क्या करने हैं, चेंज करने हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आऊंगा आपके सामने जिनमें क्या होता है वो तो ना तो एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव का एक रिमिक्स जिसको बोलते हैं ना, जिस तरह से आजकल आपके युग में क्या आ गया, एक रिमिक्स का जमाना आ गया, ठीक है ना, उसी तरह से सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, रिमिक्स होते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे वो आपके सामने देखना। आपके सामने कुछ अलग हटकर सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस और दूसरा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, उनका कॉम्बिनेशन है, कई बार उसमें ये भी आ सकता है और कई बार उसमें ऑप्टेटिव में आ सकता है। देखिए आपके सामने पहला है कि रितु सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस यू ऑन योर बर्थडे, ठीक है, कि तुहाडे बर्थडे दे नाल लख लख बधाइयां देना जी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन यानी कि बधाइयां देने वास्ते आपको क्या करना है, इसी कॉन्ग्रेचुलेशन को इस सैड टू में चेंज कर देना है, समझ में आया, कैसे चेंज करना है, जैसे मैंने लिखा रितु
और यहां congratulated, कॉन्ग्रेचुलेटेड, यानी कि इन बधाइयां को आप इसमें चेंज कर देना है, कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज कर देना है। फिर यहां ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। अब देखो ये जो यू है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, मी के अकॉर्डिंग, तो यहां मी इसकी जगह है, ये आ गया, आ गया। उसके बाद में ऑन का ऑन हो गया, योर का यहां माई, बिकॉज आना वही है, अरे मी को तो उठा के इधर उधर पटकना है, तो यहां क्या हो जाएगा, मी आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, माई आ जाएगा, फिर यहां पे बर्थडे। इस तरह से आपके सामने क्या हो गया, ये सेंटेंसेस हैं। उसके बाद में देखिए, द बॉय सेड टू मी थैंक यू। थैंक यू का मतलब ये जो थैंक यू है वो किस में चेंज हो जाएगा, इस सेड टू में हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, द बॉय थैंक्ड। वही बात हो गया, यू किस में चेंज होगा, मी में, तो यहां क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। उसके बाद में महिमा सेड टू अस वेलकम यू, वेलकम यू, इट मींस वेलकम में ही चेंज करना है, तो यहां क्या हो गया, महिमा वेलकम्ड, महिमा वेलकम्ड अस, यू अस में ही चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में यहां देखो, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें इसमें हैप्पी क्रिसमस बोला है, तो हैप्पी क्रिसमस बोला है तो इसमें विश किया है, ठीक है, विश किया है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, आई विश्ड हर, फिर आगे एडजेक्टिव लिख दो, क्या लिखोगे, हैप्पी, क्या लग जाएगा, क्रिसमस, ये हो गया। इस तरह से आपके सामने कुछ अलग हटके ये मिसलेनियस बोल सकते हैं इनको अपन, इस तरह के आपके सेंटेंसेस हैं। हमारे नरेशन के टॉपिक पूरे हुए, फिर भी हम और भी रोचक अकॉर्डिंग टू एग्जाम ऐसे सेंटेंसेस के कंबाइंड जो है एक्सरसाइज लेके आएंगे, बट आफ्टर योर कमेंट, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको और जरूरत है क्या ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस की जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस तरह से कुछ चीज आपके लिए अलग हटके हम आपके सामने होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियोस।